वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। मैं प्रीति ठाकुर स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी जो है मॉर्निंग हो गई है, टाइम हो रहा है 11, और मेरा सारा काम फिनिश हो गया आज, क्योंकि मुझे बनानी है गुजिया और मैंने खाना बना लिया है बच्चों के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या खाना बनाई हूँ, दिखाती क्या हूँ बता देती हूँ। चलिए, ये कुकर में रखा है आलू सोयाबीन सब्जी, इधर रोटी और इधर चावल। किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब चलूंगी मैं, भून लेती हूँ सूजी। खोया तो अभी आया नहीं है, और खोया दूध वाले लेके आएंगे, अभी आ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में और भूनते हैं सूजी। आज बनेगी गुजिया, क्योंकि कल है होली, तो गुजिया तो बनता है। किसकी किसके यहाँ गुजिया बन गई फ्रेंड्स? ये मैंने एक पाव सूजी मंगा रखी है, तो एक पाव सूजी, और ये देखिए मैंने मेवा काट के रखा है सब। तो चलते हैं किचन में, सूजी भून लेते हैं। सूजी भूनने में भी टाइम लगता है ना, तो बस फिर खोया आएगा है तो खोया भूनेंगे। एक तो पता है रखने की कहीं जगह नहीं है, तो मैंने विंडो पे रखा है। तो मैं चलिए सूजी फटाक से भून लेती हूँ। अब खाना बना दी फ्रेंड्स, तो कोई टेंशन नहीं है। मेवा भी मैंने कट कर लिया है। सूजी भून लूँ, फिर खोया आएगा तो खोया भून के फिर सारा आइटम मिक्स करूँगी। फिर मैदा गूंथना है। अभी सूजी भूनने के बाद मैं मैदा गूंथ के अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी देर जब गूंथ के रख दो ना तो सही रहता है। गाँव में होली अच्छी लगती है, शहर में उतना खास नहीं लगती मुझको। गांव में होली अच्छी लगती है। तो इधर मैंने निकाल लिया है बड़ा साहब, देखिए ये तसला, तसला बोलते हैं हम लोग के यहाँ। इसी में सब कुछ मिला के भगोने में रख दूंगी, फिर इसके बाद इसमें गुजिया में छान के रखूंगी, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है। इसको मैं रखी थी उसमें बेड में, तो निकाल लिया है। इसको लेके जा रहे थे लाइब्रेरी से, मैंने बोला पहले निकाल दो तब जाओ, नहीं फिर कौन निकालेगा। इधर आ गया हमारा खोया, आप देख सकते हैं इसको भूनना है, कितना बढ़िया लग रहा है खोया। तो इसको भून लेते हैं, सुखा लेते हैं, क्योंकि बहुत गीला है। अब देखिए खोआ हमारा एकदम लाल हो गया। वैसे खोआ बढ़िया है, मैं तो सोची पता नहीं अच्छा मिलेगा कि नहीं। बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग में। इधर से मैं खून लेती हूँ इलायची, क्योंकि अगर मैं चीनी पीसती तो उसमें जो है मिक्सिंग पीस लेती। ये देखिए इलायची बहुत सारी, इलायची का फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं गुजिया में वो नहीं डाल रही हूँ, किशमिश मुनक्का नहीं हूँ मैं, इसमें सिर्फ चिरौंजी, काजू, बादाम और सूखा नारियल और इलायची पाउडर, बस। इलायची मैंने खून लिया है, अब चलिए सब मिक्स कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो उसमें गुझे में भरा जाएगा उसको बना लेती हूँ मैं। तो खोया ठंडा ही हो गया है, इसको मैं इसमें डाल लेती हूँ। अभी तो लग रहा है कि ठंडा हो गया, चलिए मिलाते हैं इसमें। सबसे पहले डालूंगी मैं इलायची, ये रही सूजी, सूजी है पूरी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी बचा लूंगी। ये काजू बादाम क्यों फाड़ दूंगी? आप तो बाल बड़े हो गए ना, बाल बड़े हो गए फ्रेंड। ये है चिरौंजी, अब ये डालूंगी मैं नारियल जो मैं कल कसी थी। अब चीनी का, ये रहा चीनी का, पीसी चीनी होती है ना वो है। पहले इतना डाल के, पहले इतना डाल के मिला के देख लेती।
ज्यादा मीठा हो जाएगा तब भी नहीं अच्छा लगेगा। ज्यादा मीठा अच्छा नहीं। भुजिया बनना स्टार्ट हो गई है। इधर देखो शुभ बना रहे हैं, है ना, सबसे पहली गुजिया। हाय, इधर बना रही साक्षी। अरे हाँ यार, ये सबसे पहली गुजिया, ये बन रही है दूसरी। इधर समृद्धि, सब लोग आए हैं मेरी हेल्प करने के लिए, है ना। चलो अब बन जाएगी, इसके बदले गुजिया मिलेगी। हाँ, इसके बदले गुजिया मिलेगी। तो सूट करो, चलिए अब हम सूट कर रहे हैं। तो इधर देखिए, कब से बेल रही थी मैं, थक गई बेलते बेलते। अब बिट्टी अपना भर रही है, देखो एकदम मोटी ताजी गुजिया। तुम भी और ये कर रही है चकई, ये किसी काम की ये चकई कर रही है। और इधर गुजिया है बस गाम। इधर रुके, मैं खोलती हूँ फ्रेंड्स, रुके रहिए। ये देखिए, अब जा रही हूँ मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, नहीं तो फूट जाएगी ना, काफी देर से बन के रखी हुई है। तो चलिए चलते हैं किचन में इसको फ्राई करते हैं। चकई देख लो जरा इनकी, इतनी मोटी चकई, इसमें दो लोई आएगी पता है, इसमें दो बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाइए गुजिया और चलते हैं हम फ्राई करते हैं। उठा के रखो फ्रेंड्स, सब कर लेते हैं गुजिया को फ्राई और हमारी गुजिया बन के रेडी। ये ले आए हैं सबसे पहला बैच, तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। तेल कम गरम है, इतनी गुजिया हमारी छन गई है। ओके, फ्लैश ऑन करूँ। हाँ, इतनी गुजिया छन गई है, इधर छन रही है। इधर दो थाली रखी है, अभी और रखा है बनाने के लिए। हमारी बन गई फ्रेंड्स, पूरी बन गई है। ये देखिए फ्राई कर रही हूँ, उधर रखी है और अभी इतना रखी है फ्राई करने के लिए। बन गई, समझ लीजिए किला जीत ली है, गुजिया बन गई। तो क्या खाया जा रहा है? बर्गर। बर्गर, बर्गर, ब्रेड पकौड़ा, चिप्स, क्या है? बर्गर। हाँ, मुझे भी बर्गर ही दिख रहा है, जो दिख रहा है लगता है यहाँ खराब। गुल्लू, तुम्हारी लाइफ खराब है, तभी चश्मे लगे। चश्मे, चश्मे, दोनों लोग चश्मा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं पूरा किचन गंदा पड़ा है, तो इसको अच्छे से पहले क्लीन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। तो इधर मैं गुजिया उजिया रख देती हूँ थोड़ी देर, तो मैं ऐसे ही रखी थी ठंडी हो जाए, ताकि नहीं गर्म गर्म रखिए तो फिर वो मतलब अजीब सी हो जाती है, तो इसलिए जब गुजिया ठंडी हो गई, प्लास्टिक के डिब्बे में भी रखनी थी, तो इसको मैं जो है दो डिब्बे में अच्छे से करके रख दूँगी और किचन अपना पूरा कर लूँगी क्लीन। और इधर रिफाइंड मेरा थोड़ा सा बचा था, तो मैंने डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया, कि उसमें रहता पैकेट में तो गिर जाता है, तो इस वजह से मैंने बॉटल में डाल दिया। और इधर मैं बर्तन धुलूँगी, बर्तन बहुत सारे थे क्योंकि खाना बनाई थी, तो उसके बाद मैं नहीं धुली थी और बच्चों ने खाना खाया, वो सब प्लेटें थी। धुल लिए हैं फ्रेंड्स, कमर दुखने लगी मेरी। अब गुजिया इधर मैंने रख दिया है इस डिब्बे में, और इस डिब्बे में भर के ये मसाला बच गया था, ये भी रख दी हूँ। अब मैं कुछ नहीं करूँगी, अब थोड़ी देर में आराम करूँगी। शाम हो गई है, 6 बज रहे हैं। अब मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। थक गई बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थक गई, कमर दुखने लगी, क्या कर सकते हैं, त्यौहार है, त्यौहार पे तो अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ता है। और ये मैं लेके बैठी हूँ चिप्स, फ्राई की थी, वो समृद्धि लोग आई थी, शांची लोग, तो
उन लोग के लिए मैंने फ्राई किया था, तो अब थोड़ी सी है मैं खा लेती हूँ। और किसने किसने गुजिया बना ली प्लीज़ कमेंट बताइएगा, और मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो रहिए मस्त रहिए, और मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय राम जी, मिलते हैं आप लोग को एक अच्छे से।